है गाइस, वेलकम बैक ऑन फॉर्म एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हमने काफ़ी सारे चीज़ें कैलकुलेट की। उससे पहले वाले में हमने पार्टीशन फंक्शन, विभाजन फलन, संवितरण फलन जिसको बोलते थे, और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रायिकता वितरण फलन था, वो कैलकुलेट किया। और उनकी हेल्प से हम लोग काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक तो मीन एनर्जी, एवरेज एनर्जी जिसको बोलते हैं, माध्य ऊर्जा, वो कैलकुलेट की, टोटल एनर्जी कैलकुलेट की, और स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा निकाली हमने, है ना। अब हम लोग एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं हम लोग। एंट्रोपी तो एंट्रोपी होता क्या है, ये चीज़ तो मैं पहले बता चुका हूँ। इस पर हम लोग एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं आधे घंटे का, और पूरा डिटेल में इस पर हमने फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया इसका। बट तो मैं यहाँ पे इसका डिटेलिंग वापस से नहीं करूँगा, लेकिन हमने एंट्रोपी को बोला था रेंडमनेस। रेंडमनेस मैंने बोला था, एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता है, बट यहाँ पर हमने जो एंट्रोपी का डेफिनेशन देते हैं वो द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस बोलते हैं इसको। मतलब कि किसी भी सिस्टम की अव्यवस्था की माप को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में सेंस क्या बनता है, वो मैं सिखा चुका था कि कितने तरीके से हम लोग सिस्टम में एडजस्ट हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है, उस चीज़ को बताता है कि कितनी सूक्ष्म अवस्थाएं संभव हो सकती है किसी निकाय के अंदर, उस चीज की इंफॉर्मेशन देता है एंट्रोपी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, फिर हम तो फॉर्मूला इसका बनाएंगे उसकी हेल्प से, किसकी, पीआई और जेड की हेल्प से, जेड की टर्म्स में उस तरीके से। तो लिखो, किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को, अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को एंट्रोपी कहते हैं। और एंट्रोपी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, S = K ln ओमेगा। ये लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ये ओमेगा जो होता है, ये इनको बोलते हैं एक्सेसिबल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। मतलब जो सूक्ष्म अवस्थाएं पॉसिबल है, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पॉसिबल है, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो ओमेगा जो होता है, नंबर ऑफ एक्सेसिबल, स्पेलिंग मुझे एक्सेसिबल का नहीं आता है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, ठीक है, ये होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो फॉर्मूला है एंट्रोपी का, वो कैलकुलेट करना है जेड के टर्म्स में। जेड मतलब विभाजन फलन, जो पार्टीशन फंक्शन है उसके टर्म में लेके आना है ये एंट्रोपी को। तो देखो, उसके टर्म में एंट्रोपी को लेके आने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंस अपने पास में जो एक टर्म होता है अपने पास में, जिसको बोलते हैं क्या, जेड, विभाजन फलन पार्टीशन फंक्शन जो होता है जेड, जिसको लिखते हैं, उसको लिखते हैं समेशन ऑफ e^(β(ei)। इसका एक तरीका तो ये होता है लिखने का, यहाँ पर ei लिखो तब। तो एक इसका दूसरा फॉर्म और होता है, वो होता है ओमेगा इंटो e^(β(e)₀। अगर मैं एवरेज एनर्जी ले लूँ यहाँ पर और इसको ओमेगा से, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये जेड आ जाता है। ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो है, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है, ये एवरेज एनर्जी के टाइम पे है, ये एवरेज एनर्जी की तरीके से ऐसे लिखते थे इसको। ये मतलब इसका फंक्शन है एक तरीके से, एवरेज एनर्जी का। ये एक तरीका और होता है जेड को लिखने का। ये वाला फॉर्म अभी मैं यहाँ पे काम में लूंगा। ये वाला फॉर्म क्यों काम में ले रहा हूँ, ये क्यों नहीं ले रहा, ये इसलिए काम में ले रहा हूँ क्योंकि ओमेगा आ रहा है इसमें, और ओमेगा को यूज करूंगा तो मैं इस टाइप का कुछ लेके आ सकता हूँ। तो मुझे इस टाइप का कुछ लेके आना है, इसलिए ओमेगा वाला टर्म यूज करूंगा, ठीक है। तो इसी का एक दूसरा फॉर्म ये भी होता है, आगे बात समझ में।
ये स्टेटिस्टिकल जो टर्म्स है वो इस वे में आते हैं, अलग अलग काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मीन एनर्जी में हमने बताया था कि इस तरीके से भी होता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग लेवल पे, उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और चीज़ें कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो उस चीज़ पे बात करेंगे, हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि इससे ये कैसे आया। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो जेड ये मिल गया मुझे, अब देखो मैं इसमें काम करता हूँ, मैं एल एन अप्लाई कर देता हूँ, एल एन दोनों और लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेने पर लॉगरिथमिक फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं दोनों तरफ, तो एल एन जेड इक्वल्स टू एल एन, तो एल एन इस पर लगाऊंगा तो एक तो ये है, एक ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस में आ जाएंगे, एल एन ओमेगा हो गया प्लस एल एन ई टू पावर माइनस बीटा ई बार। ठीक है, मुझे एस लेके आना, एंट्रोपी लेके आना ना, तो मतलब मुझे के एल एन ओमेगा चाहिए होगा, के एल एन ओमेगा चाहिए होगा, तो के एल एन बनाऊंगा अभी मैं। अभी पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, एल एन जेड ये है एल एन ओमेगा, इसको देखो एल एन का मतलब होता है बेस ई, तो ये बेस ई है, तो देखो माइनस बीटा ई बार ये तो आ जाएगा, माइनस बीटा ई बार ये तो इधर आ जाएगा, पावर जो होती है, फिर बचेगा एल एन ई एल एन बेस ई ई, तो एल एन बेस ई वो जो होता है वो वन होता है, ये जो होता है ये क्या होता है वन आता है, तो ये आ गया एल एन जेड एल एन ओमेगा माइनस बीटा ई बार, एवरेज एनर्जी है। मुझे चाहिए एस चाहिए, मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करना है ना, एंट्रोपी कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, कैसे मल्टीप्लाई कर दे, के एल एन जेड के एल एन ओमेगा माइनस के बीटा ई बार, ये मिल गया मुझे, मुझे चाहिए ये हो गया एस, तो ये तो हो गया के एल एन जेड, ये हो गया एस, ये हो गया के बीटा ई बार, तो एस जो आया अपने पास में वो आया के एल एन जेड प्लस के बीटा ई बार। ई बार जो है एवरेज एनर्जी है, औसत ऊर्जा, तो औसत ऊर्जा का फॉर्मूला अपने को पता है, सिंस औसत ऊर्जा या माध्य ऊर्जा, एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी, एवरेज या मीन एनर्जी कुछ भी बोल लो, मीन एनर्जी बोल देता हूँ मैं इसको, इसका जो फॉर्मूला था हमारे पास में ई बार का वो था के टी स्क्वायर डेल एल एन जेड बाई डेल टी, ये था, एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ, हम लोगों ने इसका कैलकुलेट किया था, एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला, एवरेज एनर्जी ये एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी टेम्परेचर के टर्म्स में, के टी स्क्वायर डेल एल एन जेड बाई डेल टी, हाँ ये था, ये था कहाँ गया वो, ये था के टी स्क्वायर डेल एल एन जेड बाई डेल टी, ये ई बार है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो इसको इक्वेशन नंबर टू कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, तो बाई टू एंड थ्री, बाई टू एंड थ्री एस इक्वल्स टू के एल एन जेड प्लस के बीटा के टी स्क्वेर, के टी स्क्वेर डेल एल एन जेड बाई डेल टी, ये मिला। इसमें देखो ये आया के कॉमन आ गया, तो इसमें बचा एल एन जेड प्लस बीटा। अब देखो एक चीज नोटिस करना आप, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इधर देख लो, बीटा जो होता है वो क्या होता है, वन अपॉन के टी होता है ना, सॉरी बीटा जो होता है क्या होता है, वन अपॉन के टी होता है। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां पर अगर के और टी, एक टी को हटा दूं, एक टी रख लेता हूं, तो जो के टी आएगा वो के टी क्या आएगा, वन अपॉन बीटा आएगा ना, अरे जो बीटा है वन अपॉन के टी रख दूं, अगर बीटा का वैल्यू वन अपॉन के टी रख दूं, बीटा का वन अपॉन के टी, तो एक के कट जाएगा, एक टी कट जाएगा, तो टी बचेगा यहां पे, यहां पे टी बचेगा एल एन जेड बाई डेल टी। यह आ गया अपने पास में एंट्रोपी, किसका एंट्रोपी आ गया,
ये आ गया एक एटम का, एक पार्टिकल का एंट्रोपी आया, एक एटम का नहीं एक पार्टिकल का, वो एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है जो भी हम लोग काम में ले रहे हैं, एक पार्टिकल का आ गया। अगर n पार्टिकल है तो फॉर n पार्टिकल, n कणों के लिए, n कणों के लिए, n कणों के लिए बात करूं तो s का वैल्यू आ जाएगा n के ln z प्लस टी डेल एल एन जेड बाई डेल टी। ये आ गया, ये एंट्रोपी आ गया, एस का वैल्यू आ गया एंट्रोपी। ठीक है, एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्रॉस चेक कर लेना ठीक रहता है। तो एंट्रोपी का जो वैल्यू है दैट इज के एल एन जेड टी डेल एल एन जेड बाई डेल टी। ठीक है भैया, ये ठीक मिल गया मुझे, जो आया है वो ठीक मिल गया। ठीक है, ये एंट्रोपी आ गया। तो हम लोगों ने एक और टर्म कैलकुलेट, देखो हम लोग जो भी कैलकुलेट करके ला रहे हैं ना वो जेड की टर्म्स में है, मतलब अपने पास जेड मिल गया ना तो हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड मतलब पार्टीशन फंक्शन, विभाजन फलन, इसलिए मैंने बोला था कि विभाजन फलन पार्टीशन फंक्शन का इतना इंपॉर्टेंस है कि जेड अगर फाइंड आउट हो गया ना तो आप ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हर फॉर्मूले में जेड ही यूज हो रहा है। जेड काम में मिल गया ना आपको तो आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सिस्टम के लिए। ठीक है, ये मिल गया। अभी हम लोग एंथैल्पी पे बात करते हैं, एंथैल्पी नेक्स्ट टॉपिक है, एंथैल्पी, एंथैल्पी एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एच से लिखते हैं, एच एंथैल्पी एच। एंथैल्पी होता क्या है, इस चीज को देखो किस तरीके से एंथैल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है, डेफिनेशन अभी बनाएंगे। एच जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, इनका जो गुणनफल होगा, ये और यू इन दोनों का जो योग आएगा उसको हम लोग एंथैल्पी लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी आंतरिक ऊर्जा और प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन के गुणनफल है, इसका इसका योग जो आएगा वो एंथैल्पी के बराबर आएगा। द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो लिख लो इसका डेफिनेशन, लिखो पहले आप, पहले डेफिनेशन लिखो, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाई एंथैल्पी, इज रिप्रेजेंटेड बाई एंथैल्पी, इज रिप्रेजेंटेड बाई एंथैल्पी, इज रिप्रेजेंटेड बाई एंथैल्पी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया है ना। अब देखिए अगर हम लोग बात करें, ये फॉर्मूला लिख लो आप, ये जो फॉर्मूला है ये लिख लो, ये एंथैल्पी है, मुझे एंथैल्पी कैलकुलेट करना, ये तो मेन फॉर्मूला है इसका। यू का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, तो देखो सिंस यू आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, एन के टी स्क्वायर और डेल एल एन जेड बाई डेल टी, ये इसका फॉर्मूला होता है यू का, इंटरनल एनर्जी का। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो बाई वन एंड टू, बाई वन एंड टू, तो एच इज इक्वल टू यू का वैल्यू रखो एन के टी स्क्वायर डेल एल एन जेड बाई डेल टी प्लस टी वी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कर रहा हूँ। अब देखो सिंस गैस इक्वेशन जो होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी होता है ना, ये होता है, सबको मालूम है, सारी दुनिया को जो साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग ये, जिसको नहीं मालूम कोई बात नहीं, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, ये गैस समीकरण बोलते हैं इसको, गैस इक्वेशन आइडियल गैस के लिए।
अब अगर मैं बात करूं n, n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इसमें, स्मॉल n जो है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोलों की संख्या होता है, और मोलों की जो संख्या होती है वो ऐसे होता है, n जो होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल कणों की संख्या ये मान लो, अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर जो होता है एन, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। ये जो होता है ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, आई बात समझ में। इसका मतलब ये एन का वैल्यू ये रखूँ तो मैं पी वी इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए इंटू आर टी, ये, और ये जो है आर अपॉन एन ए, आर अपॉन एन ए जो होता है वो होता है के के इक्वल होता है। के क्या, वही जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट वो है ये, बोल्ट्जमान नहीं होता के। तो आर अपॉन एन ए को मैं के लिख दूँ तो पी वी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी वी इक्वल टू एन के टी। ये आर अपॉन एन ए जो है, अरे ये जो R अपॉन एन ए है ये बन के K, तो एन के टी, तो पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी। ये N कुल कणों की संख्या है, N क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो कि N क्या है, स्मॉल N क्या है, कैपिटल N है नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है। कैपिटल N है वो क्या है, कुल कणों की संख्या है, कुल परमाणु लिख लो या कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स, ठीक है। और ये आ गया एन, कैपिटल एन, स्मॉल एन भी मिल गया आपको, कैपिटल एन भी मिल गया, और एन ए एवोगाड्रो नंबर है। अवगाड्रो संख्या, इसका वैल्यू तो सब लोग जानते होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑलमोस्ट 6 × 10⁻²³। तो पी वी को एन के टी भी लिख सकता हूं मैं, और एन आर टी भी लिख सकता हूं, पर मैं ये इतना झमेला करके एन के टी में क्यों लेके आया इसको, इसलिए लेके आया क्योंकि मुझे, मैं के टर्म्स में लिखना चाह रहा था क्योंकि इधर भी के है, बस इतनी सी बात के लिए, अदरवाइज मैं पी वी इक्वल टू एन आर टी भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं पी वी इक्वल टू एन के टी लिखना चाह रहा था क्योंकि इसमें भी देखो एन भी है के भी है, इसलिए ताकि कुछ कॉमन लेके फॉर्मूले को सिंपल बना सके, बस इतनी सी बात के लिए कर रहा था मैं। इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर फोर, तो इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर से देखो पी वी का वैल्यू एन के टी रख दो यहाँ पे, तो भाई इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर देखो मेन टारगेट क्या है अपना, इस बात को समझो आप। हम लोग क्या करते हैं, पहले मेन फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं पहले मेन फॉर्मूला लिखेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें हमने कैलकुलेट की वो रखेंगे, और फिर उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे, उसको छोटा से छोटा रूप बनाने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उसको, बस ये टारगेट है। तो वो जो भी हम लोग दाव पे जानते हैं, हम लोग जो भी जुगाड़ जानते हैं उसकी हेल्प से हम लोग कर रहे हैं, बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। तो ये रखेंगे एन के टी स्क्वायर, पी वी का वैल्यू एन के टी रख दो, तो इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर से बाय थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर क्या आया, एच इक्वल्स टू एन के टी स्क्वेर डेल एल एन जेड, डेल एल एन जेड बाय डेल टी प्लस पी वी, पी वी का वैल्यू एन के टी प्लस एन के टी। तो इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, एन के टी सारा कॉमन आ गया, ये टी डेल एल एन जेड बाय डेल टी प्लस वन, ये मिल गया अपने को, एंथैल्पी मिल गया, एंथैल्पी का फॉर्मूला मिल गया, ये है एंथैल्पी का फॉर्मूला, ठीक है। किसकी टर्म आया, जेड की टर्म में, मतलब आपको जेड पता है तो एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हो, जेड पता है एंट्रोपी निकाल सकते हो, जेड पता है मीन एनर्जी टोटल एनर्जी वो सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर हम लोग एक और चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम है अपने पास में, इनफ टाइम है, तो हम लोग देखो एक और कैलकुलेट करते हैं। एच मिल गया, मैं जिसने नहीं छापा है इसको कॉपी नहीं किया है, कॉपी कर लेना भैया, लो कॉपी कर लेना इसको,
एंथैल्पी मिल गया। अभी मैं हेल्महोल्ट्ज एनर्जी और कैलकुलेट कर लेता हूँ। हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा बोलते हैं इसको, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, और हेल्महोल्ट्ज जो एनर्जी है उसको लिखते हैं कैपिटल एफ से, ठीक है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, फिक्स नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एफ ही से लिखो, लेकिन मोस्ट ऑफ जगह पे एफ से लिखते हैं इसको। एफ जो होता है इसको लिखते हैं यू माइनस टी इंटू एस। तो आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी और टी और एस का जो प्रोडक्ट है उनका जो अंतर है इन इसका और इसका जो डिफरेंस है उसको लिखते हैं एफ से। ये क्या टेम्परेचर, ये है एंट्रोपी, क्लियर है, इसका डेफिनेशन लिखे लिखो। आंतरिक ऊर्जा किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ऐसे लिखो, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा तथा उसके ताप व एंट्रोपी, उसके ताप व एंट्रोपी के गुणनफल का अंतर, उसके ताप व एंट्रोपी के गुणनफल का अंतर, उसके ताप व एंट्रोपी के गुणनफल का अंतर हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के बराबर होता है। उसके ताप व एंट्रोपी के गुणनफल का अंतर उसकी हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के बराबर होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखो, द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, द डिफरेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाई या इज नोन एज इज रिप्रेजेंटेड बाई या इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ठीक है। ये है, इसको इक्वेशन नंबर वन कर दो। अब मेरे पास में U पता है, S पता है, वैल्यू पुट कर दो, U पता है, S भी पता है, दोनों का वैल्यू पुट कर दो। सिंस U जो है, U होता है n k t स्क्वायर डेल ln z बाय डेल t, इक्वेशन नंबर टू। S का जो वैल्यू है, S का वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था हमने, S का वैल्यू इससे पहले कैलकुलेट किया था हमने, ये रहा S का वैल्यू, S का भी वैल्यू पुट कर दो भैया, ये रहा n के ln z, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ, n k ln z प्लस t डेल ln z बाय डेल t, कुछ ऐसा सा है क्या, एक बार देख लेते, n k भी कॉमन ले रखा है, चलो ये है, k भी कॉमन है, k दोनों के साथ ही है, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर थ्री, कर दो इसको। तो इक्वेशन नंबर टू और थ्री का वैल्यू वन में पुट कर देते हैं, एस का भी वैल्यू पुट कर दो, यू का भी वैल्यू पुट कर दो, तो एफ मिल जाएगा। तो बाय वन टू थ्री, बाय वन टू एंड थ्री, देखो एफ इक्वल्स टू यू का वैल्यू एन के टी स्क्वेयर डेल एल एन जेड बाय डेल टी, ये तो इसका हो गया माइनस टी। अब देखो टी है ना, तो S के साथ में इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, T आएगा, तो ऐसे एक सेकंड में पहले लिखता हूँ, T N K L N Z प्लस T डेल L N Z बाई डेल T, ठीक है, ये मिलेगा। तो F का जो वैल्यू मिलेगा, F आएगा, इसको अगर हम लोग ऐड करें, इसको ओपन कर लेते हैं, N K T स्क्वायर डेल L N Z
बाय डेल टी माइनस टी एन के एल एन जेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एन के टी स्क्वायर डेल एल एन जेड बाई डेल टी। इसमें देखो कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज चलता रहेगा। ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एन के टी स्क्वायर डेल एल एन जेड बाई डेल टी ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये बचा अपने पास में क्या बचा फाइनली, एफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बचा माइनस एन के टी एल एन जेड, ये चीज आई बात समझ। ये F मिल गया तो F क्या हमने क्या किया, पहले तो इसका फॉर्मूला लिख दिया, फिर इसी के दोनों ये लिख के हमने इसको कॉम्पैक्ट साइज में कैलकुलेट कर लिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म कैलकुलेट कर लिया इसका, ठीक है। एन के टी वैसे पी वी के बराबर भी होता तो हम चाहे तो इसको पी वी भी लिख सकते हैं। अरे अभी अभी थोड़ी देर पहले हम ऐसे ही तो किए थे, सिंस अपने को पता ना पी वी इक्वल्स टू एन के टी होता है तो एन के टी का वैल्यू पी वी के इक्वल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग टेम्परेचर के टर्म में ज़्यादा रखना पसंद करते हैं इसको, तो हम लोग ये जितना कैलकुलेट किया है उतना ही रखेंगे इसको, ठीक है। ये हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी आ गया, अब हम लोग कुछ चीज़ें से एक तो प्रेशर और एक गिब्स एनर्जी, ये दो चीज़ें और कैलकुलेट करेंगे, एक केमिकल पोटेंशियल रासायनिक विभव, ये तीन चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैलकुलेट करेंगे, अभी इसको यहीं पर फिनिश कर देते हैं, ठीक है, खत्म, ओके।